नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। हरियाणा पंजाब के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर किसान अपना टेंट लगा करके बैठ गए। जी हां, केंद्र सरकार से एमएसपी स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने, किसानों का न्यूनतम मजदूरी मूल्य निर्धारित करने, तमाम मांगों को लेकर किसान यहाँ पर आंदोलन करते नजर आ रहे हैं और मोदी सरकार से लगातार अपील कर रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि फिलहाल पंजाब के शंभू बॉर्डर और हरियाणा की सीमा से सटे खनौरी बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन चल रहा है। किसान शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले बठिंडा के रहने वाले किसान शहीद शुभकरण की गोली लगने से मौत हो गई थी। उसके बाद अब किसान नेता सरवण सिंह पंढेर ने कहा है कि जब तक यहाँ पर शुभकरण की मौत का जो पूरा खुलासा नहीं हो जाता और पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाती, तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे और उसके बाद दिल्ली कूच का ऐलान करेंगे। सुनिए क्या कह रहे हैं सरवण सिंह पंढेर। शुभकरण मंत्री, उसकी रिपोर्ट में अब तक क्या है, गोली रबड़ की लगी है क्या? देखिए, अभी हमने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को पूरी तरह जांचा नहीं, इसके बारे में कोई प्रतिक्रिया तो हम दे नहीं सकते। जो हमारे पास है वो सरकार के सामने हमने रख दिया। जब मैं इधर, मेरे साथ डीजीपी इंटेलिजेंस पंजाब के गए थे तो उनके सामने बुलेट चलाई गई थी रबड़ की, तो मेरे एक साथी को लगी थी। इसके तो प्रत्यक्ष गवाह है डीजीपी इंटेलिजेंस। तो ये किसानों के जो वीजे काटे जा रहे हैं, जो धमकी दी उस पर? बिल्कुल, किसानों के जो वीजे काटे जा रहे हैं, पासपोर्ट रद्द करने की बात की जा रही है, अब मुझे लगता भी लोकतांत्रिक तरीका नहीं है लोगों को डराने धमकाने का, जिसकी हम निंदा करते हैं। जो पंजाब सरकार आज नेट बंद कर रही है उसकी भी हम निंदा कर रहे हैं, या केंद्र सरकार नेट बंद करवा रही है। तो अब क्या इस तरह का जो माहौल पैदा करने से क्या गतिरोध टूट जाएगा? तो सामान्य स्थिति केंद्र सरकार को बहाल करनी चाहिए। शुभकरण की रिपोर्ट आने पे पता लगेगा। हाँ, जब हम शुभकरण जी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ेंगे तभी इसके बारे में कोई प्रतिक्रिया दे सकते। आपने सुना यहाँ पर सरवण सिंह पंढेर लगातार कहते हुए नजर आ रहे हैं कि दिल्ली जाना हमारा संवैधानिक अधिकार है, प्रदर्शन करना, अपनी मांगे मानना हमारा संवैधानिक अधिकार है। पीएम मोदी को इस मुद्दे पर सोचना चाहिए, केंद्र सरकार को इस मुद्दे पर सोचना चाहिए और किसानों की मांगों को माना जाना चाहिए। आपको बता दें कि किसान 13 जो मांगे लेकर के प्रमुख रूप से आए थे, उनमें से 10 मांगों को लेकर यहाँ पर सहमति बनती हुई नजर आ रही है और आगे आने वाले वक्त में हो सकता है कि किसानों की मांगे पूरी होती नजर आए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज।